ইনস্টাগ্রামে তো রিল দিমু, ফটো দিমু। হ্যাপি অ্যানিভার্সারি। স্কিন কেয়ার করছে একটু আগে, স্কিন কেয়ার করা। গুড মর্নিং এভরিওয়ান এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল আওয়ার ডে বুক। বহুত দিনের বাদ আজ মই আয়া হুম ব্লগ মে, নট অনলি মি, बहुत दिनों के बाद हम कर रहे हैं ब्लॉग। ऑलमोस्ट टू थ्री मंथ, कुछ गैप था। वो गैप क्यों था वो मौसमी आपको बताएंगे। बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। और आप तो वीडियो करेंगे नहीं? हाँ, मैं तो करूंगा नहीं। एनीवेज आज कुछ स्पेशल है, इसलिए सोचा थोड़ा ब्लॉग में आ जाऊँ, ब्लॉग कर लूँ। आज हम लोग का सेकेंड मैरिज एनिवर्सरी है और साथ ही साथ आज मेरा ब्रदर इन लॉ का आशीर्वाद है, तो उसका प्रिपरेशन चल रहा है। तो मौसमी जो है अभी आई एम गेटिंग रेडी। यस, शी इज गेटिंग रेडी एंड आई एम येट टू गेट रेडी, यू कैन सी। एंड आज गुवाहाटी का वेदर बहुत ही बढ़िया है। इट हैज बीन रेनिंग, सुबह से बारिश हो रही है। तो दिन को उधर पे रहेंगे और शाम को विल गो समवेयर, विल बी पार्टिंग। यस, विद आवर फ्रेंड्स एंड फुल वर्ल्ड। ओके, तो चलिए आज का वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। आफ्टर अ गैप ऑफ 3 to 4 months, या एंड आई एम गेटिंग रेडी। सारा सब कुछ यहाँ पे लेके मैं बैठ गई हूँ, सो दैट आई कैन गेट रेडी कम्फर्टेबली। सो फाइनली रेडी होके हम लोग निकल गए हैं। श्वांकर इज ड्राइविंग एंड इट हैज बीन रेनिंग। मतलब इतना दिन तक इतना धूप था गुवाहाटी में, इट वॉज सो लाइक सो हॉट। और अभी आज एकदम सुबह से बारिश दिखाता था, 38 degrees, फील्स लाइक 52। या इतना ज्यादा मतलब गर्मी हो गया था। एंड आज से थोड़ा सा रिलीफ है, बारिश है, लेकिन हम लोगों का काम थोड़ा स्लो हो गया है इसकी वजह से। तो चलिए आज हम लोग निकल गए हैं, चलिए एंजॉय करते हैं आज का दिन, आज का फंक्शन जो है। या आवाज ना करो मुझे। अभी हम लोग निकलने वाले हैं, कोई तो बात करने वाला है नहीं, तो मैं ही बोल देती हूँ। अभी हम लोग निकलने वाले, सब लोग रेडी हो चुके हैं। इवन अबाउट टू, हम लोग 11 बजे निकलने वाले थे, अभी बहुत लेट हो गया। इट्स 1:30 नाउ, हम लोग अभी निकलेंगे। ये है हमारा दूसरे राजा के अपने पहन के हम लोग अभी निकलने वाले हैं। दीज आर कपल्स, ये सब जाएंगे मोदी के घर एंड लेट्स गो। और वो है डेकोरेशन, ये इवनिंग के लिए है, मैं तो मेहंदी। और फाइनली हम लोगों का जाने से पहले वाला फोटो सेशन भी स्टार्ट हो गया है। एंड फोटो सेशन के बाद हम लोग निकल गए हैं। तो चलिए लड़की वालों के घर में हम लोगों ने अपना सारा तोत्तोस भी ले लिया है। तो चलिए अभी निकलते हैं, जल्दी जल्दी से लड़की वालों के घर में पहुंचते हैं। नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। खोल दिया तो दीबो, दिया तो दीबो। क्या हिंदी? पान, क्या पान दे रहे थे? पान दिया। अभी जो बादाम, मिष्टी, चॉकलेट, पानो खिली, आशीर्वाद। वो आशीर्वाद होगा, पानो खिली तो कल ही हो गया, सुबह को। पानो खिली सुबह को हो गया, अभी हम लोग आशीर्वाद। तो पान खाने वाला आदमी है क्या? होगा, कोई ना कोई तो होगा, ये तो जाता ही है वैसे भी। वैसे भी मेरे आशीर्वाद में तो पान नहीं आया। फाइनली हम लोग लड़की वालों के घर में पहुंच गए हैं। और सभी को देखिए, सभी इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के रेडी हो गए हैं। घर में शादी का माहौल होने से ना, शादी होने से ना, सभी अपने बेस्ट कपड़े निकाल लेते हैं। एंड लुक एट द जॉय एवरीवन के फेस में, सभी के फेस में जो हंसी है, जो खुशी है, वो देख के ही अच्छा लगता है।
और फाइनली हम लोग लड़की वालों के घर में पहुंच गए हैं एंड दिस इज हाउ वी आर वेलकम देयर। सेरेमनी फाइनली ख़त्म हो गया और जैसे ही मेरे हाथों में स्नैक्स का जो प्लेट है वो आया ना, मैं खाने पे टूट पड़ी बिकॉज आई वॉज सो हंग्री कि मुझसे और रहा नहीं गया। और सभी कोई खाने में एक्चुअली बिजी है, लेकिन पता नहीं शुभंकर क्या पोस्ट दे रहा था अपना। तो चलिए खाने को एंजॉय करते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे हम लोगों का डांस सेशन स्टार्ट हो गया। मैंने डांस किया नहीं है, मैं वीडियो बना रही थी और सभी को देख रही थी और ऐसे ही एंजॉय कर रही थी, लेकिन बाकी लोगों ने बहुत डांस किया, सभी नाच रहे थे। मेरी सिस्टर को देखिए, वो भी बहुत अच्छे से नाच रही थी। मुझे मन किया लेकिन मैं गई नहीं। एंड फाइनली इधर पे हम लोगों का लंच स्टार्ट हो गया है। स्नैक्स खाया, डांस किया, सबको भूख लग गया, सो हम लोगों ने अपना लंच भी स्टार्ट कर दिया। हम लोगों को खाना सर्व कर रहे थे एंड हम लोग यहाँ पे अपने बातें कर रहे थे, बातें करते हुए अपना लंच कर रहे थे। इट वॉज़ अ रियली डिलीशियस मील दैट वॉज होस्टेड बाय द लड़की वाला। लड़की वालों के घर से हम लोगों को लंच पे बुलाया गया था, हम लोगों ने आशीर्वाद भी किया, लंच भी किया एंड इट वॉज ऑल इन ऑल अ वेरी ग्रेट डे। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया एंड द लंच वॉज ऑल्सो रियली गुड। हम लोगों को खाते हुए देख सो फाइनली अभी हम लोग निकल गए हैं, लंच वंच कर लिया, सब कुछ एवरीथिंग इज डन और अभी हम लोग अपने घर जाएंगे, फ्रेश होंगे, देन हम लोगों का प्लान होगा रात का, है ना शुभंकर? हाँ, रात को कहीं हम लोग निकलेंगे। सेकेंड मैरिज एनिवर्सरी है, सो वी विल गो समवेयर, क्योंकि ये दिन तो बार बार आने वाला नहीं है, साल में एक बार ही आता है। सो यू विल गो एंड विल हैव टाइम, विल हैव फन एंड आई विल ट्राई टू मेक अस फील स्पेशल फॉर टुडे। चलिए अभी जाते हैं घर, फ्रेश होते हैं। सो फाइनली सेकेंड टाइम के लिए आई हैव गॉटन रेडी और अभी हम लोग निकल रहे हैं अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए। दो आई एम रियली टायर्ड, लेकिन स्टिल आई एम लाइक कुछ तो करना है, तो या दैट इज द प्लान। अभी निकलते हैं, चलो। Thank you.
गए हैं और बाहर जितना टाइम थे भी आई कुड नॉट मेक मच वीडियो बिकॉज वी वेर विद आर फ्रेंड्स और बहुत दिनों के बाद मिले तो वी वेर हैविंग फन वी वेर टॉकिंग एंड ऑल वी वेर एंजॉइंग वेर हैविंग आवर मोमेंट सो या चलिए ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं एनिवर्सरी वाला ब्लॉग को कम ये देश चौधर के शुभंकर भी आ गया है वी हैड अ रियली गुड टाइम तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं इफ यू लाइक द ब्लॉग देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट और बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ तो थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा एंड गुड नाइट चलिए बाय बाय गुड नाइट सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग बाय